बहुत बधाई दूंगा नगर निगम देहरादून को और देहरादून के तमाम जागरूक नागरिकों को। आज जो सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का आह्वान किया, देहरादून ने उसमें सबसे पहले लीड ली। मैं कह सकता हूँ कि देश का लीडर बना है देहरादून। और निश्चित रूप से जब 1 लाख से ज़्यादा लोग आज के इस सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जो मानव श्रृंखला बनाई जा रही है उसमें भाग ले रहे हैं, इसका मतलब उत्तराखंड जाग चुका है, इसका मतलब देश जगेगा। जो लोग अभी भी नहीं जगेंगे अब वो भी जग जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस तरह का उत्साह मैं देख रहा हूँ, मैं नमस्कार दिलेराम चौक से और यहाँ तक मैं लगातार आप सभी का स्वागत करता हूँ। जिस तरह से उत्साह से इस विशाल मानव श्रृंखला के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने आए सभी दूनवासियों का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत साथियों देता हूँ, बहुत देता हूँ। थोड़े देर के पश्चात जो आह्वान आपने देश का किया है, लगभग 2 मिनट की आज देहरादून वासियों ने पर्यावरण की रक्षा करने के लिए इस प्लास्टिक को देहरादून से हमेशा के लिए समाप्त हो इसके लिए मानव श्रृंखला बनाई है। और मानव श्रृंखला बनाकर पूरे देश को एक संदेश देंगे कि मानव श्रृंखला के माध्यम से प्लास्टिक हमेशा के लिए दूर करने के लिए जो संकल्प आज लाखों लोग जो है सड़कों पर उतर कर ले रहे हैं, निश्चित रूप से एक संदेश देने का काम देहरादून वासी करेंगे। इसके लिए मैं जितने अपने यहाँ इस कार्यक्रम में भागीदार हो रहे हैं मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि प्लास्टिक को हमेशा के लिए समाप्त करें।